Dear students, welcome to the classes of RayAcademy, and we are studying accounting treatment for partnership or accounting for partnership firms, and the chapter is change in profit sharing ratio among the existing partners, and the current concept is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Our question is A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to share profit with effect from 1st April of the current year in the ratio of 5:3:2. Ratio change ho gaya. Or they also decided not to change the values of assets and liabilities in the books of accounts. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट और लायबिलिटी उनका वैल्यू भी कईयों का बदल गया है, बट ये चाहते हैं पार्टनर्स कि इन फ्यूचर जो पुराने वैल्यू बुक वैल्यू है उसी में बुक में वैल्यूज अपीयर करेगा. द बुक वैल्यूज एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज. इसका बुक वैल्यू दे रखा है, रिवाइज्ड वैल्यू दे रखा है. ये चाहते हैं कि जो बुक वैल्यू है वही आगे के लिए अपीयर करेगा बुक में, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन होगा, बट ओल्ड वैल्यूज विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट जो कि इस डेट के आगे बनेगा. तो लास्ट लाइन है पास एन एडजस्टिंग एंट्री. अगर हम इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे रिवैल्यूएशन का या लॉस निकाल लेंगे और उसके लिए एक ही एडजस्टिंग एंट्री दे देंगे तो ओल्ड वैल्यू में बुक में अपीयर करता रहेगा और वैल्यूज एडजस्ट हो जाएगा. तो हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. अगर रिवाइज्ड वैल्यूज में आगे अपीयर करेगा तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ ओल्ड रेशियो ऑफ A:B:C दैट इज 2:2:1 दे रखा है फर्स्ट लाइन में. सेकेंड लाइन में न्यू रेशियो ऑफ A:B:C 5:3:2 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. A sacrifice, it is 5 minus 5/10. That is LCM 10. That is 2 to the 4 minus 5. That is equal to -1/10. This is the gain. Gain is -1/10. Then B sacrifice or gain. B sacrifice or gain. Minus maya, that's why it is gain. प्लस में जिसका आएगा उसका सैक्रिफाइस होगा. सैक्रिफाइस हो गया 2/5 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/5. तो 2/5 minus 3/10 दैट इज इक्वल टू एलसीएम 10. तो दिस इज 2 to the 4 minus 3 दैट इज इक्वल टू 1/10. दैट इज दिस इज प्लस में आया, दिस इज सैक्रिफाइस. और जेड का है 1/5 minus 2/10. दिस इज नेक्स्ट वन इज जेड सी. सी का है 2/5 minus 2/10. This is equal to C sacrifice or gain. This is old share 1/5, new share 2/10, LCM I got 10. This is 2 minus 2, that is equal to 0/10. No sacrifice or gain. There is no sacrifice or gain. Then ABC तीनों का हो गया. तो इसका मतलब है जो revaluation का profit आएगा, this will be A's capital account debited to B's capital account. It is gaining to sacrificing. Revaluation account बनाओ, जो profit आएगा, उसको gaining to sacrificing कर देंगे. Loss आएगा तो उल्टा करेंगे. ताकि आगे के लिए जो balance sheet बनेगा, उसमें पुराना values appear करेगा. That is equal to revaluation account बनाया मैंने. Then revaluation account का format आपको भी पता है, ledger format. First one, देखो first one book में machinery. 2.5 lakh to 3 lakh हो गया बाय मशीनरी. इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड में होता है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये जर्नल का फंडा है. कंप्यूटराइजेशन एसेट डिक्रीज कर रहा है तो 2 computers 25,000 नेक्स्ट वन. और सॉन्ड्री क्रेडिटर 90,000 to 75,000 डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड. लायबिलिटी घट गया तो हमारा इनकम हो गया बाय क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स 15,000 एग्जैक्ट वर्ड लिखो. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस इज लायबिलिटी बढ़ रहा है 10,000. इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड में आएगा, खर्चा बढ़ गया. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस देन दैट इज 10,000. अभी हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट, क्रेडिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग को क्रेडिट साइड का टोटल कॉलम में लिखो. दिस इज
here for 65,000, इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करो, विल हैव ए प्रॉफिट. तो 65,000 से हम 35,000 माइनस कर देंगे, विल बी गेटिंग 30,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000. ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर जो इज नॉट ओल्ड पार्टनर, ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए. अगर आगे फ्यूचर में बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू आएगा, बोले न्यू रिवाइज्ड वैल्यू नहीं आएगा, पुराना वैल्यू आएगा, तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को एडजस्टिंग एंट्री में डालेंगे. कैसे? ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एज रिवाइज्ड वैल्यूज विल नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यूज विल नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, इसके वजह से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे. दे विल ट्रांसफर और गिव फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 का 1/3,000 एंड बी विल ट्रांसफर और गिव फॉर रिवैल्यूएशन 30,000 का 1/10,000. द गिव एंड टेक, तो जिसको मिलेगा क्रेडिट होगा. ए कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बी कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. नाउ विल हैव ए फेयर नोट, क्योंकि ये सब पूछा नहीं है. इन्होंने पूछा है कि भाई एक जर्नल, तो टीचर जो एग्जामिनर है उनको चाहिए कि हाउ यू डिड इट. तो ये है आपके हैंड यू आर कॉन्सेप्ट, देन विल स्टार्ट विथ फेयर नोट. में जर्नल का फॉर्मेट बनाया, जर्नल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री एंड जर्नल फॉर्मेट इज रेडी. और ईयर आप बुक से निकालो, दिस इज द ईयर. और ये ईयर को यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखा है, और रूपी फोराडियन सिंबल जो आप कभी देते नहीं हो लिखना है, इट इज रूपी सिंबल. नाउ द जर्नल इज डेबिटेड, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ऑन एप्रिल 1. एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज 3,000. मतलब खाली जो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो वाला, 1/10 of 30,000. 3,000 को ए का कैपिटल को कम करेंगे, बी का कैपिटल को बढ़ाएंगे. इट इज ए बुक ट्रांसफर, पैसे लेन देन है. बींग एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एज द असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर इन द सेम फिगर इवन आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये बढ़िया वाला नरेशन आपको लिखना है, इवन एट सेम फिगर इवन आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जर्नल को टोटल करो, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर स्टडीज. मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको अच्छा समझ में आया तो मेरे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए.